के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में नायरा की मौत के बाद पूरी तरह पलट चुकी है इस शो की कहानी। बता दें आपको कि नायरा की मौत ने गोयनका हाउस में एक बहुत बड़ा तूफान ला दिया है, स्पेशली जब पुलिस वालों ने लाश की शिनाख्त करने के लिए गोयनकास को बुलाया तो ये लम्हा अपने आप में बहुत दर्दनाक था। इसी के चलते आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि गायु कायरव कार्तिक और अक्षरा की खातिर एक फैसला लेगी। इसे आप गायु की गलती सुधारने का एक मौका भी कह सकते हैं। गायु और नायरा के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, ये तो हम सभी जानते हैं कि नायरा की मौत से पहले किस तरह गायु नायरा से बार बार चिढ़ रही थी और चाहती थी कि नायरा वापस चली जाए। इसी के चलते अब गायु को पछतावा हो रहा है और उसने फैसला लिया है कायरव और अक्षरा की जिम्मेदारी संभालने का। जी हाँ, नायरा की जगह अब गायु लेगी। कायरव और अक्षरा को बड़ा करने तक की जिम्मेदारी गायु लेती नजर आएगी। वेल, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस जिम्मेदारी को गायु अच्छे से संभाल पाएगी, निभा पाएगी। इंतजार रहने वाला है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाले इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का। फॉर ऑल द लेटेस्ट सीरियल अपडेट्स, सेलिब्रिटी न्यूज एंड व्यूज, प्लीज सब्सक्राइब सीरियल खबरी एंड हिट द बेल आइकन।